Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum everyone. Hopefully you all are doing well. So I am the instructor of today's session. So आज हमने डिस्कस करना है OPD सीरीज़ 2 में जो टॉपिक है हमारे पास हेमोइड्स। हेमोइड्स के बारे में हम ईच डिटेल डिस्कस करेंगे। इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं, इसको हम किस तरह से डायग्नोज करते हैं, इसका ट्रीटमेंट प्लान क्या है, सर्जरी करवानी चाहिए नहीं करवानी चाहिए, ये भी बहुत ऑप्शन होती है। तो हम इस सबको जो है ना इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। फर्स्टली आई इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, डॉक्टर हदीजा अल्ताफ। सो लेट स्टार्ट ओवर सेशन ओवर क्लास। हेमोइड्स, हेमोइड्स बेसिकली हम इन इंग्लिश वर्ड्स हम इसको पाइल्स भी कहते हैं, और अगर इन उर्दू हम बात करें तो हम इसको बवासीर कहते हैं। बवासीर के बारे में आपने भी सुना होगा, बट व्हाट इज़ हेमोइड्स आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। हेमोइड्स बेसिकली हमारे पास वो क्या होता है, आर स्वेलन वेन्स इन योर लोअर रेक्टम। हमारा जो लोअर रेक्टम है उसकी जो वेन्स है वो स्वेलन हो जाती हैं, और ये एक पेनफुल कंडीशन है। स्वेलन इन लार्ज बल्जिंग ब्लड वेसल्स इन द लोअर पोर्शन ऑफ द रेक्टम और एनएस। रेक्टम और हमारे एनएस का जो लोअर पोर्शन है वहाँ पे जो ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं वो क्या हो गई हैं, स्वेलन हो गई हैं। ये बहुत ज़्यादा पेनफुल कंडीशन होती है। बेसिकली जो हेमोइड्स हमारा ना GIT का पार्ट आ जाता है, ठीक है। GIT के पार्ट में लोअर जो हमारे पास रेक्टम है उसमें रेक्टम में हमारे पास डिफरेंट लेयर्स प्रेजेंट होती है। डिफरेंट लेयर्स में अगर हम बात करें तो सब म्यूकोसल लेयर जो है इसमें हमारे पास वेन्स, आर्टरीज और नर्व्स पास हो रही होती हैं, और अगर ये सब म्यूकोसल लेयर में हमारे पास जो है वेसल जो है वहाँ पे डायलेट कर दें, डायलेशन को बेसिकली हम क्या कह रहे हैं, डायलेशन बल्जिंग ब्लड वेसल की, वो उसको हम हेमोइड्स कह रहे हैं। हेमोइड्स हमारे पास आप पिक्चर में भी देख सकते हैं, अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊं, 2 टाइप्स के हमारे पास हेमोइड्स होते हैं, इंटरनल हेमोइड्स एंड एक्सटर्नल हेमोइड्स। या आप पिक्चर में देख सकते हैं इंटरनल हेमोइड्स तो हमारे रेक्टम एनएस के अंदर वाली साइड है, ठीक है, और जो एक्सटर्नल है मतलब आउटसाइड हमारे पास एनएस में प्रेजेंट होंगे। वो आपको मैं आगे इन डिटेल बताऊंगी कि इंटरनल एंड एक्सटर्नल हेमोइड्स बेसिकली हमारे पास क्या होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास टाइप्स आ जाती हैं। टाइप्स मैंने जैसे कि आपको पहले ही बताई हैं, 2 टाइप्स के होते हैं, एक्सटर्नल हेमोइड्स एंड इंटरनल हेमोइड्स। एक्सटर्नल हेमोइड्स आर लोकेटेड अंडर द स्किन अराउंड द एनस एंड कवर्ड बाय वेरी सेंसिटिव स्किन। इसका मतलब हमारे पास क्या है कि हमारे पास जो है ना एक्सटर्नली प्रेजेंट होंगे, ये हमारे एनस से हमारे पास एक्सटर्नली आप इसको देख भी सकते हैं, लेकिन इसको कवर किया होगा स्किन ने। एंड दे में ब्लीड इफ रप्चर, और ये जो है ना यहाँ इस एरिया से ये जो हमारे पास हेमोइड सैक लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा इसमें से ब्लीडिंग भी हो सकती है अगर वो रप्चर हो जाए। वो रप्चर किस तरह से होगा, लाइक अगर हम एग्जाम्पल लें, अगर मैं आपको इसी के थ्रू बताऊं, लाइक हमारे पास ये हमारे पास एक्सटर्नल हेमोइड बन गया, एक्सटर्नल हेमोइड बन गया, लेकिन अब इसमें से जब हमारे पास स्टूल पास आउट होगा और जो है हमारे पास बाउल मूवमेंट होगी तो ये जो सैक हमारे पास आउटसाइड जो एनएस बना होगा वो क्या होगा, रप्चर होगा और ब्लीडिंग कोज होगी। ये हमारे पास जो है ना मेन जो है ना इसका फिनोमिना हो रहा है कि हमारे पास जब हमारे पास बाउल मूवमेंट होती है या फिर स्टूल पास आउट करता है, प्रेशर अप्लाई होता है, तो हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास ब्लीडिंग कोज होती है। तब पेशेंट कंप्लेन भी करता है कि मुझे स्टूल के साथ जो है ना ब्लड भी आ रहा है, ठीक है। इसको हम जो है एक्सटर्नल हेमोइड्स को, एक्सटर्नल पाइल्स को हम प्रोलैप्स पाइल्स भी कहते हैं क्योंकि हमारे पास जो है ये प्रोलैप्स की गई होती है। इंटरनल हेमोइड्स हमारे पास क्या है, इंटरनल हेमोइड्स डेवलप विद इन द एनएस। हमारे एनएस की जो है ना अंदरूनी साइड पे क्या है वो डेवलप हो जाते हैं हेमोइड सैक लाइक स्ट्रक्चर, जिसमें हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं उनकी डायलेशन हम कह सकते हैं, डायलेशन हो जाती है, बल्जिंग हो जाती है। इसमें भी हमारे पास ब्लीडिंग हो सकती है। कैसे ब्लीडिंग एंड प्रोट्रूजन ड्यूरिंग द बाउल मूवमेंट आर कॉमन सिम्टम। इसमें भी जब पेशेंट जो है स्टूल पास आउट करेगा, जाहिर सी बात है प्रेशर लगे तो क्या होगा, वो जो हमारे पास बल्ज बने हुए हैं वहाँ पे कुशन बने हुए हैं, सैक बने हुए हैं, ब्लड वेसल जो फूली हुई हैं वो क्या होंगी, रप्चर होंगी और उसमें से ब्लीडिंग कोज होगी। इसलिए ये मेजर सिम्टम है हेमोइड्स की, के साथ स्टूल के साथ पेशेंट को ब्लीडिंग भी कोज हो रही होती है। तो एक्सटर्नल हेमोइड्स हमारे पास होते हैं और इंटरनल हेमोइड्स होते हैं। अगर मैं आपको इस पिक्चर के थ्रू आपको बताऊँ, ये आप देख सकते हैं, ये हमारे पास है रेक्टम एरिया, ये हमारे पास है इंटरनल हेमोइड्स। इंटरनल हेमोइड्स में क्या होगा कि हम अगर स्टूल पास आउट होगा, यहाँ से बाउल मूवमेंट होगी, यहाँ पे प्रेशर अप्लाई होगा, तो हमारे पास क्या कोज होगा, ये इंटरनल हेमोइड है, ठीक है। ये किस कौन सी कैटेगरी में फॉल करता है, कौन सी टाइप में फॉल करता है, ये हमारे पास क्या है, इंटरनल हेमोइड्स। और एक्सटर्नल हेमोइड्स विजिबल होते हैं बाहर से, एक्सटर्नल हेमोइड्स बन जाते हैं, सैक बन जाते हैं इस जगह पे, ठीक है। ये सैक जो है ना इस एरिया में बनना स्टार्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट अगर मैं आपको इसकी दिखाऊं इंटरनल हेमोइड्स को अगर हम डिस्कस करें कि किस तरह से फर्दर अगर हम इन डिटेल देखें तो इंटरनल हेमोइड्स हमारे पास बेसिकली क्या आ जाता है कि क्या है इंटरनल हेमोइड्स। इंटरनल हेमोइड्स लाइज इनसाइड द रेक्टम। आपने पिक्चर में भी देखा है इनसाइड द रेक्टम जो है ना हमारे पास अंदरूनी साइड पे रेक्टम के इंटरनल हेमोइड्स प्रेजेंट होते हैं। दे यूजली कैन नॉट बी सी एंड फील, हम इसको देख नहीं सकते और ना ही इसको फील कर सकते हैं। एंड दे रेयरली कॉज डिस्कम्फर्ट, डिस्कम्फर्ट कॉज करता है, ठीक है। और ये जो हम जब स्टूल पास आउट कर रहे होते हैं तो क्या है इरिटेशन वगैरह भी कॉज करता है। पेनलेस होते हैं, ब्लीडिंग ड्यूरिंग बाउल मूवमेंट, ब्लीडिंग अगर होगी लेकिन पेनलेस होगी क्योंकि इंटरनली प्रेजेंट है। और इसका जो हमारे पास ब्लड है बिल्कुल ब्राइट रेड कलर का होगा। ये आपको क्वेश्चन भी आ सकता है, ये एमसीक्यूज बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। और ये कॉमन जो है ना बात है कि हमारे पास जो है हेमोइड्स की कंडीशन में, पाइल्स की कंडीशन में क्या होता है जो ब्लड है ब्लड आ रहा होता है हमारे पास जो स्टूल के थ्रू, वो हमारे पास ब्राइट रेड फ्रेश ब्लड प्रेजेंट होता है। फ्रेश ब्लड हमारे पास जो है ना स्टूल से पास आउट होता है। वो कैसे? हमारी जो ब्लड वेसल में जाहिर सी बात है ब्लड है, ब्लड हमारे पास कौन सा फ्रेश ब्लड, जब वो रप्चर होगा, जो सैक हमारे पास बन गया तब जब वो रप्चर होगा, रप्चर होगा तो क्या है कि फ्रेश ब्लड जो है ना जो एक्सक्रीट आउट होगा स्टूल के थ्रू, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, ना कि ब्राउन ना ही ब्लैक हमारे पास ब्लड होगा के फ्रेश रेड ब्लड हमारे पास जो है ना हमने देखने को मिलेगा इस कंडीशन में, हेमोइड्स की पाइल्स की कंडीशन में, ठीक है। हेमोइड्स टू पुश थ्रू द ओपन एनल ओपनिंग कॉल द प्रोलैप्स और द प्रोट्रूडिंग हेमोइड्स दे में कॉज पेन एंड इरिटेशन। इसकी वजह से पेन और इरिटेशन भी कॉज होती है। इंटरनल हेमोइड्स के बारे में आपको ये पता होना चाहिए, पाइल्स के बारे में ये पता होना चाहिए कि इनसाइड द रेक्टम प्रेजेंट होते हैं, हम इसको देख नहीं सकते, फील नहीं कर सकते, लेकिन पेशेंट कंप्लेन करता है कि उसे डिस्कम्फर्ट हो रही है। बाज़ औक़ात ये ऐसी डिजीज़ है कि पेशेंट इसको बताने में भी शर्मा रहा होता है, कि झिझकचा रहा होता है कि मैं इसके बारे में बात ना करूँ, लेकिन हमें इसके बारे में अवेयरनेस पेशेंट को होनी चाहिए क्योंकि ये कॉम्प्लिकेशन फर्दर कोर्स कर सकता है। तो नेक्स्ट हमारे पास एक्सटर्नल हेमोइड्स क्या होते हैं वो देख लेते हैं। ये है एक्सटर्नल हेमोइड्स। एक्सटर्नल हेमोइड्स में बेसिकली अंडर द स्किन अराउंड द एनस, एनस के अराउंड प्रेजेंट होता है। जैसे कि मैंने आपको पिक्चर में दिखाया था, अगर हम ये पिक्चर देखें अराउंड, ये आपके जो है ना ये आउटसाइड प्रेजेंट होगा, इसलिए नाम दिया गया है एक्सटर्नल हेमोइड्स का। अंडर द स्किन अराउंड द एनस, एनस के अराउंड प्रेजेंट है। ये आप देख भी सकते हैं, इसे फील भी किया जा सकता है। इसमें पेशेंट को पेन भी होगी, डिस्कम्फर्ट होगा, इचीनेस भी कॉज होगी, ब्लीडिंग भी कॉज हो सकती है। वही हमारे पास आ जाएगा। ब्लीडिंग क्यों कॉज होगी? जब पेशेंट हमारे पास बाउल मूवमेंट करेगा, जब उसके स्टूल पास आउट करेगा, प्रेशर आएगा, तो वो जो रप्चर हो सैग बना है वो रप्चर हो सकता है। तो इस वजह से हमारे पास ब्लीडिंग कॉज हो रही है। और ब्लीडिंग भी कौन सी कॉज हो रही है? हमारे पास फ्रेश जो है ना ब्लड जो है ना वो हमारे पास कॉज हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं, ये हमारे पास थी टाइप्स एक्सटर्नल हेमोइड्स की। ये एक्सटर्नल हेमोइड्स के होते हैं एंड इंटरनल हेमोइड्स हमारे पास क्या है और इसमें बेसिकली हमारे पास हो क्या रहा है। ब्लड वेसल जो है हमारे पास जो के हैं उनमें क्या है, ब्लड वेसल की डायलेशन हो गई है, बल्जिंग हो गई है, जिसने क्या बना दिया, सैग बना दिया और उसमें ब्लड जो है फिलअप हो गया और वो जो है ना एक आपको जो है ना फिलअप हो रहा है, पेन कोज कर रहा है, डिस्कम्फर्ट कोज कर रहा है, इरिटेशन कोज कर रहा है। तो ये चीज़ बेसिकली इसमें अकर हो रही है, इंटरनल हेमोइड्स एंड एक्सटर्नल हेमोइड्स। इससे आपका एक कॉन्सेप्ट बन जाना चाहिए कि बेसिकली आप हेमोइड्स है क्या, पाइल्स बेसिकली है क्या, बवासीर जिसको हम कहते हैं, उसमें हो क्या रहा है, किस तरह की टाइप है, किस तरह से हम इसको इन्वेस्टिगेट करेंगे, किस तरह से इसको डायग्नोज करेंगे। एक पेशेंट आपके पास आया, आपकी क्लिनिकल सेटअप में आया, उसने आपको ये चीज़ बताई है, आपने उसका किस तरह से एग्जामिन करना है। इसकी एग्जामिनेशन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि हम डिफ्रेंशिएट कर सकें। मे बी वो ट्यूमर हो सकता है, वो आपके पास एक लाइक हमारे पास एक पार्ट ही है ना, एरिया ही है ना जो हमारे पास विजिबल हो रहा है, उसमें एक बल्ज बना हुआ है, सैग बना हुआ है, मे बी इट ट्यूमर, मे बी इट्स पाइल्स। तो आपने इस चीज़ को किस तरह से इन्वेस्टिगेट करना है उसको हम जो है ना इस लेक्चर में कवर अप करेंगे। नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं, ये आपको मैंने टाइप्स बताई कि किस तरह से ये इमेज के थ्रू, ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं, अब हेमोइड जो है, पाइल्स जो है, ये किन में डिवेलप हो रहा है, इसका रीज़न क्या है, ये क्यों डिवेलप होता है, इसका कॉज क्या है और इसके रिस्क फैक्टर्स क्या हैं। तो सबसे पहले अब हम इसके रिस्क फैक्टर्स देख लेते हैं। एजिंग आ जाता है, एनल सेक्स आ जाता है, स्वेयर कफिंग की वजह से भी हमारे पास बवासीर का मसला हो सकता है, ये कॉम्प्लिकेशन आ जाएंगे स्वेयर और ये रेगुलर लिफ्टिंग ऑफ हैवी वेट्स, ये भी बहुत मेन कॉमन है। रेगुलर लिफ्टिंग जो हमारे पास बहुत भारी भारी वजनी सामान उठाते हैं उसमें बवासीर का बहुत ज़्यादा कॉमन है। प्रेगनेंसी एंड डिलीवरी, प्रेगनेंसी एंड डिलीवरी में क्यों कॉमन है, क्योंकि हमारे पास जो लोअर रेक्टम है वहाँ पे प्रेशर इंक्रीज़ कर जाता है, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी में भी बवासीर के जो है ना कंप्लेन देखी जाती है। लैक ऑफ फाइबर इन फूड, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आजकल जैसी हमारी डाइट है तो हम जो है फूड का बिल्कुल भी जो है ना अपना ख्याल नहीं रखते कि किस तरह का फूड हमें इस्तेमाल करना चाहिए। तो अगर तो आपकी फाइबर कम है, लैक ऑफ फाइबर फूड में है, तो इस वजह से भी पाइल्स कोज हो सकता है। क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन, कुछ लोगों में बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन रहती है, क्रॉनिक हो जाती है, उसको ट्रीट नहीं करवाते हैं, तो इस वजह से भी हमारे जो ब्लड वेसल्स हैं वो डायलेट कर सकती हैं, पाइल्स हेमोइड्स कॉज हो सकता है। एनल इन्फेक्शन कोई हुआ था, ओवर यूज़ ऑफ लैक्सेटिव, बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन रहती है, ओवर यूज़ कर लिया लैक्सेटिव का, तब भी कॉज हो सकता है। प्रोलॉन्ग सिटिंग एंड स्टैंडिंग, आजकल हमारी कुछ रूटीन भी ऐसी है कि ज़्यादा जो है ना मूवमेंट नहीं है, हमारा सिडेंट्री लाइफस्टाइल है, तो इस वजह से भी जो हमारे पास प्रोलॉन्ग सिटिंग स्टैंडिंग, आजकल ऑफिस वर्किंग आवर्स भी इतने होते हैं 8 आवर की, 12 आवर की, तो उसमें भी पेशेंट जो हमारे पास क्लाइंट है वो लॉन्ग सिटिंग में रहता है या फिर स्टैंडिंग में रह रहा है प्रोलॉन्ग, तो इस वजह से भी जो है ना हेमोइड्स कोज हो सकता है। तो हम अपने वर्किंग आवर्स में क्या करना चाहिए, आपने 1 आवर का काम किया है तो आप उसके बाद जो है ना कोई मूवमेंट वगैरह, आपको वॉक वगैरह करनी चाहिए। या हम आप प्रिवेंशन भी साथ साथ पेशेंट को प्रिस्क्राइब करेंगे, अगर उसका काम इस तरह का कि ज़्यादा बैठा रहने का काम है तो ये चीज़ उन्हें प्रिस्क्राइब करनी है, आपने उन्हें बताना है कि आपने ये चीज़ों से अवॉइड करना है। रेक्टल ट्यूमर भी हो सकता है, उस वजह से भी ये बवासीर या जिसको हम हेमोइड्स कह रहे हैं कोज हो सकता है। ये हमारे पास कुछ कोजेस थे जिसकी वजह से हमारे पास हेमोइड अकर हो रहा है, इसके अलावा भी हमारे पास कोज हो सकते हैं जिसकी वजह से हेमोइड अकर हो सकता है। नेक्स्ट रिस्क फैक्टर्स आ जाते हैं, अब कौन से रिस्क फैक्टर्स हैं जिसमें हमारे पास हेमोइड्स हो सकता है। एज पीपल एज द रिस्क ऑफ हेमोइड्स इंक्रीजेस, जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया एजिंग, एजिंग बेसिकली हमारे पास क्या है, विद एज के साथ पेशेंट ऑल्डर की तरफ जाना है, तो उसमें हमारे पास क्या है, इंक्रीज हो जाता है रिस्क किसका, हेमोइड्स होने का। दिस बिकॉज द टिश्यू डेट स्पॉट द वेन्स इन द रेक्टम एंड एनस कैन वीकन, जो टिश्यू है वो वीकेंड हो जाते हैं, जो स्पॉट कर रही होती है वेन्स को रेक्टम की और एनस की, एंड स्ट्रेच। दिस also can happen during pregnancy because baby weight put pressure on the anal region। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया प्रेगनेंसी वाले में, क्योंकि प्रेगनेंसी में बेबी का वेट पुट हो रहा होता है और वहाँ पे एनल एरिया में, लोअर रेक्टम एरिया में क्या है, प्रेशर जनरेट हो रहा होता है। प्रेशर की वजह से बेसिकली ये मसला क्यों रहा है, क्योंकि हमारे पास प्रेशर उस जगह पे जो है ना ज़्यादा हो रहा है, इस वजह से हमारे पास क्या है, ये डैमेज अकर हो रहा है, हमारे जो ब्लड वेसल्स हैं वो डायलेट कर जाती हैं, और इस कंडीशन को हम क्या कह रहे हैं, बवासीर कहते हैं। पहले की अगर हम बात करें कुछ देर पहले की अगर बात करें तो बवासीर के बारे में इसका ना इतना टेक्निकली हकीमों की लोग दवाइयाँ इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब साइंटिफिकली प्रूव्ड इसका ट्रीटमेंट है जिसको हम फॉलो करके इस जो है डिजीज़ को कवर अप कर सकते हैं और पेशेंट रिकवर कर सकता है। नेक्स्ट इसकी देख लेते हैं पैथोफिजियोलॉजी के, ये डिजीज़ हमारे पास अक्कर क्यों हो रही है। आपने कोई भी, अभी हम ओपीडी कोर्स हमने सीरीज़ 1 भी पढ़ी, सीरीज़ 2 हमारी स्टार्ट है कल, आपको डॉक्टर महानूर ने अननोन फीवर के बारे में बताया। अगर तो आपको पैथोफिजियोलॉजी पता है तो आप डिजीज़ को बहुत अच्छे से कवर कर सकते हैं। इससे आपका क्या है कि पैथोफिजियोलॉजी से आपका एक माइंड सेट बन जाता है कि ये चीज़ इस तरह से अक्कर हो रही है, इस तरह से इसकी डेवलपमेंट हुई है, तो हमने इस वे में इसका ट्रीटमेंट करना है, तो आपको इसके बारे में पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पैथोफिजियोलॉजी कोई भी इटियोलॉजिकल फैक्टर हुआ है जिसकी वजह से हमारे पास, ये आप देख सकते हैं, कोई भी इटियोलॉजिकल फैक्टर हुआ है, क्या हुआ है, जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया, रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं, कॉजेस हो सकते हैं। क्या हुआ है कि इंट्रा एब्डोमिनल जो प्रेशर है वो इंक्रीज कर गया, हमारी जो ब्लड वेसल थी, ये लाइक ब्लड वेसल है रेक्टम एरिया की, ये वेन है, यहाँ पे ब्लड का प्रेशर इंक्रीज कर गया, ब्लड इंक्रीज हो गया, तो हमारे पास एक लेवल पे क्या होगा, यहाँ पे हमारी ब्लड वेसल डायलेट हो जाएगी, इसकी बल्जिंग हो जाएगी, ठीक है, ये बल्ज हो गई और यहाँ पे क्या बना देगी, ये सैक बना आ देगी। और सैक, जबकि वेन में क्या, सैक से क्या ब्लड आ रहा है, सैक में जो हमारे पास है ब्लड इकट्ठा हो जाएगा और जब ये ब्लड इकट्ठा होगा तो ये सैक प्रोमिनेंट होगा और ये क्या पेन कोज करेगा, इरिटेशन कोज करेगा। इंटरनली भी डिवेलप हो सकता है और एक्सटर्नली भी डिवेलप हो सकता है। ठीक है, ये हमारे पास क्या इंट्रा राइज इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर की वजह से क्या है, एनल वेन की डायलेशन होगी। थर्ड पॉइंट में आप देख सकते हैं एनल वेन की डायलेशन होगी। थर्ड में क्या हुआ है, इंक्रीज प्रेशर इस एरिया, ये जो सैक बना है यहाँ प्रेशर इंक्रीज हुआ है, यहाँ स्वेलिंग कोज होना हो गई है, स्टार्ट हो गई है। अगले में क्या है, वेनस ड्रेनेज इम्पेयरमेंट। वेनस क्या है, ड्रेनेज इम्पेयरमेंट हो गई, यहाँ पे इम्पेयरमेंट कोज हो गई है इस एरिया में, यहाँ इम्पेयरमेंट कोज हुई है तो क्या है स्लिपिंग ऑफ स्लिपेज ऑफ एनल कुशन, और एनल कुशन बन जाएंगे, स्लिप हो जाएंगे, एक्सटर्नली और इंटरनली बन सकते हैं, ये डिपेंड करता है। ठीक है, इसके अलावा इसके बाद हमारे पास जब स्लिपिंग हो गई है तो क्या कोज होगा, पेस ब्लीडिंग हो सकती है, ईचीनेस होगी एंड पेन होगी। ब्लीडिंग किस वजह से हो रही है, ईचीनेस कब हो रही है, पेन क्यों हो रही है, ये हम पीछे सारा डिस्कस कर चुके हैं। बेसिकली पैथोफिजियोलॉजी में हमारे पास ये चीज़ें अक्सर हो रही हैं कि हमारे पास इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर इंक्रीज करने की वजह से एनल वेन जो है उसकी डायलेशन हो रही है। नेक्स्ट अब हम देखें तो इसमें सिम्टम्स क्या पेशेंट को शो होंगी, वो चीज़ आ जाती है। आप इससे एक ये भी जो है ना डायग्नोसिस में हेल्प करती है कि पेशेंट को एनल एरिया में बर्निंग सेंसेशंस आ रही होती है। हमारे पास पेन डिफरेंट टाइप्स की होती है, आपको पता भी होगा, थ्रॉम्बिंग पेन होती है, तो इसलिए हमारे पास ये जो पेन है हेमरॉइड्स की, पाइल्स की, वो हमारे पास कौन सी है, बर्निंग पेन पेशेंट को फील हो रही होती है, ये आप देख सकते हैं। और इचीनेस होती है अराउंड द एनस, स्वेलिंग हो जाती है अराउंड द एनस, पेन डिस्कम्फर्ट होती है बाउल मूवमेंट में जब वो बैठते हैं। इसके अलावा ब्लड इन स्टूल, ब्लड इन स्टूल एंड फ्रेश ब्लड, देखें यहाँ पे भी बाकायदा लिखा गया कि फ्रेश वो ब्लड होता है, क्यों होता है वो हमने डिस्कस किया पहले कि हमारे पास जो सैक है जब वो रप्चर होता है तो ब्लड क्या है डिस्चार्ज होता है, स्टूल के थ्रू भी साथ हमारे पास पास आउट होता है। तब पेशेंट हमें आके बताता है कि मुझे स्टूल के साथ ब्लड भी आ रहा है। कॉन्स्टिपेशन इसकी में मेन जो है सिम्टम है, रेक्टल फिलनेस, पेशेंट ऐसा फील होता है, पेशेंट को फुल फिलनेस फील होती है। ठीक है, एनीमिया, विजिबल पाल्पेबल मैसेज, पाल्पेबल मैसेज भी हमें फील होते हैं। ठीक है, एक्सटर्नली इंटरनली वो डिफरेंट वेरी करता है। ये हमारे पास कुछ क्लिनिकल सिम्टम्स शो हो रही होती हैं। जो पेशेंट कंप्लेन करता है देन हम उससे इन्वेस्टिगेट किस तरह से करेंगे, उसको डायग्नोज किस तरह करेंगे, कौन से एग्जामिनेशन करवाएंगे, वो चीज़ अब हम देखते हैं। उससे पहले हम डिग्री देख लेते हैं कि हम सिम्टम्स के बाद हम सबसे पहले डिग्री देख लेते हैं कि कितनी डिग्री की हमारे पास सेवेरिटी होती है हेमोइड्स में। हेमोइड्स में हमने टाइप्स पर ही 2 तरह की होती है, एक्सटर्नल एंड इंटरनल। अब डिग्री ऑफ सेवेरिटी, इसमें डिग्री ऑफ सेवेरिटी किस तरह की है कि कितना स्वेयर हमारे पास हेमोइड्स हो सकता है, तो ये चीज़ देखने के लिए सबसे पहले ग्रेड 1 में हमारे पास नॉन प्रोलैप्स, प्रोलैप्स का मतलब बेसिकली क्या है कि हम उसको विजिबल नहीं होते वो। ठीक है, फर्स्ट डिग्री में वो विजिबल नहीं होंगे एनल एरिया में, रेक्टम एरिया में विजिबल नहीं होंगे एनल साइड में, एंड बट मे ब्लीड, मतलब इंटरनली प्रेजेंट है लेकिन वो ब्लीड भी कर सकते हैं लेकिन हमें विजिबल नहीं होंगे। पाल्पेट प्रोलैप्स का मतलब यही आ रहा है कि विजिबिलिटी के सेंस में। ठीक है, ग्रेड 2 में हमारे पास प्रोलैप्स तो होंगे बट इट मे बी पुल्ड बैक इनटू द मैनुअल वॉल में और मे नॉट ब्लीड। इसमें हम क्या है, ये प्रोलैप्स तो होंगे, हमें विजिबल भी होंगे लेकिन हम इसे पुल बैक कर सकते हैं, हमारे पास जो है ना मैनुअली हम इसे जो है ना कर सकते हैं पुल बैक। ठीक है, मैनुअली वे में। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ग्रेड 3, ये भी प्रोलैप्स्ड होंगे, ब्लीड भी कर सकते हैं, विल ब्लीड बट बैक इनटू ओरिजिनल पोजीशन बाय मेडिकल प्रोसीजर्स के थ्रू ही हम इसको इंटर कर सकते हैं, करेक्ट। और ग्रेड 4 में जो है ना ब्लड क्लोट बन जाता है हेमोइड्स का और इसमें सर्जरी रिक्वायर होती है। अब देखें ज़रा हमारे पास ये सैक है, ये रेक्टल एरिया है, आप एग्जाम्पल ले लें, और ये सैक है इंटरनली चले प्रेजेंट है सैक अगर हमारे पास, तो अगर तो यहाँ क्लोट बन गया है, ये जो हमारे पास सैक था, सैक ने क्या किया, क्लोट बना दिया, तो इसके लिए हमारे पास सर्जरी रिक्वायर है। इसको हम अदर रप्चर भी नहीं हो रहा, उधर क्लोट बन गया, तो इसके लिए हम क्या करवाएंगे, सर्जरी प्रिस्क्राइब करेंगे। और थर्ड ग्रेड 1 अगर मैं आपको इसको ओवरव्यू एक बार दूं तो हमारे पास ये चीज़ आ जाती है कि क्या चीज़ है, फर्स्ट में हमारे पास प्रोलैप्स्ड है और प्रोलैप्स नहीं है बल्कि और ब्लीड कर सकता है, ब्लीडिंग कोज हो सकती है। सेकेंड ग्रेड में हमारे पास प्रोलैप्स्ड है, इसको हम पुल बैक कर सकते हैं एनल वॉल में बाय मैनुअल प्रोसेस, मैनुअल वे में हम मैनुअली हम इसको कर सकते हैं करेक्ट। और इसको थर्ड ग्रेड 3 को मेडिकल प्रोसीजर्स, कौन से प्रोसीजर्स हैं वो भी हम आगे जाके डिस्कस करेंगे ट्रीटमेंट में, उसके थ्रू कर सकते हैं। ग्रेड 4 में ब्लड क्लोट ही बन जाता है जिसके लिए हमें सर्जरी रिक्वायर होती है। नेक्स्ट अगर मैं आपको इसकी इमेजेस के थ्रू दिखाऊँ, ये आप इसको जो है ना अच्छे से जो है ना कर सकते हैं। ये हमारे पास सबसे पहले 4 ग्रेड्स होते हैं। ग्रेड 1 में हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास जो प्रोलैप्स है वो नहीं होगा और ये ब्लीड कर सकता है। किस तरह कर सकता है वो चीज़ मैंने आपको बताई थी कि वो इसलिए कर सकता है जब हमारे पास स्टूल पास आउट होगा तो क्या होगा कि जो है ना स्टूल पास आउट होगा तो वो सैक जो है रप्चर हो जाएगा और ब्लीडिंग कॉज हो सकती है। ग्रेड 2 में हमने कहा था ये विजिबल होंगे लेकिन इसको हम क्या है मैनुअली वे में जो है ना इसको कर सकते हैं करेक्ट। ग्रेड 3 में हमारे पास क्या है, ये आप देख सकते हैं प्रोलैप्स्ड है बिल्कुल, और इसको हम किस तरह से ट्रीट करेंगे किसी प्रोसीजर मेडिकल प्रोसीजर्स के तहत। हेमोइड्स कम आउट थ्रू द एनल कैनाल ड्यूरिंग द बाउल मूवमेंट बट इट कैन नॉट गेट बैक इन बाय इटसेल्फ। इसको हम अंदर नहीं कर सकते, बैक नहीं कर सकते। हाउ इट कैन बी पुल्ड बैक इट विद द फिंगर, वो फिर से फिंगर के थ्रू पुल बैक हो जाएगा। और ग्रेड 4 में आप देख सकते हैं बिल्कुल हमारे पास ये जो हेमोइड है वो बिल्कुल आउटसाइड आ गया, एक्सटर्नली आ गया, और इसमें हम बाजू का सर्जरी भी करवाते हैं क्योंकि ये पेनफुल भी होता है और डेंजरस भी होता है। ग्रेड 3 एंड ग्रेड 4 हमारे पास में सर्जरी जो है ना करवाई जाती है। और ग्रेड 1 ग्रेड 2 को हम जो है ना मेडिकेशन के थ्रू जो है ना इसको ट्रीट कर सकते हैं। ये हमारे पास कुछ स्टेजेस थी, डिग्री ऑफ सिविरिटी थी। ग्रेड 4 होते हैं इसके अंदर जिसके अकॉर्डिंगली हम ट्रीटमेंट प्लान पेशेंट को देते हैं। पर ये सिविरिटी देखनी है जब हमने, तो वो हम हमें किस में हेल्प आउट कर रही है, ये हमें ग्रेड्स किस क्या फाइंड आउट करने में हेल्प कर रहे हैं, डायग्नोसिस बनाने में ये हमें हेल्प कर रहे हैं। ये जो डायग्नोसिस हमने बनाना है ना ये हम बताएगा कौन ग्रेड्स किस कितने ग्रेड का, जब आपको ग्रेड का पता होगा ना कौन से ग्रेड में फॉल कर रहा है तो वो चीज़ हमें पता चल जाएगी कि इस ग्रेड में ये जो है ना पेशेंट फॉल कर रहा है, तो उसके अकॉर्डिंगली हम उसे ट्रीटमेंट प्लान देंगे। सबसे पहले देख लेते हैं हिस्ट्री कलेक्शन करनी है, फिजिकल एग्जामिनेशन पेशेंट का करना है, सीबीसी करवा सकते हैं, डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन करवा सकते हैं, क्लोनोस्कोपी करवा सकते हैं, एनोस्कोपी करा सकते हैं। रेक्टल एग्जामिनेशन बेसिकली किस तरह से किया जाता है, अगर आप इस इमेज के थ्रू देखें तो जो है ना पेशेंट के एनल में फिंगर इंसर्ट की जाती है और जो है ना डॉक्टर जो है फील करता है कि हेमोइड जो है प्रेजेंट हैं वो किस टाइप की हैं, वो चीज़ एग्जामिनेशन में की जाती है। ये हमारे पास कुछ डायग्नोस्टिक टेस्ट थे जिसमें हम बाज का जो है ना सिग्मेडो स्कोपी भी करवाते हैं जिसमें जो है ना एक हमारे पास एंडोस्कोप टाइप होता है, उसको एनल के थ्रू हम बेचते हैं अंदर और एग्जामिन करते हैं कि हेमोइड प्रेजेंट है, क्या मसला अंदर चल रहा है। तो ये हमारे पास कुछ डायग्नोस्टिक टेस्ट आ जाते हैं जिसको हम जो है ना इसके थ्रू फाइंड आउट करते हैं कि हमारे पास हेमोइड्स और पाइल्स प्रेजेंट है या नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास मेडिकल मैनेजमेंट आ जाती है कि हमने इसको मैनेज कैसे करना है, इसको ट्रीट कैसे करना है। तो मेडिकल मैनेजमेंट, इससे पहले हमने सिम्टम्स देखे, डायग्नोसिस देखे, ट्रीटमेंट हमने देखना है कि अब ऐसा पेशेंट आपके पास आया है हेमोइड्स का, उसमें कुशन टाइप सैक लाइक एनल के अराउंड या फिर इनसाइड द एनल प्रेजेंट है, तो आपने उस पेशेंट को किस तरह से ट्रीट करना, उसको क्या आप प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, उन्हें क्या आप जो है ना प्रिवेंशंस बता सकते हैं कि आप ये चीज़ करें। बवासीर का पेशेंट बहुत ज़्यादा कॉमन है और ये मेल्स में ज़्यादा कॉमन है। मेल में ज़्यादा कॉमन क्यों है, अगर तो मेल ज़्यादा प्रोलॉन्ग सिटिंग में है तो उनमें ज़्यादा बैठ के ज़्यादा देर काम करना होता है, उनमें कॉमन होती है। आप देखते होंगे जो हमारे पास लेबर कम्युनिटी है, मजदूर वगैरह, उनमें ये डिजीज़ इतनी कॉमन नहीं है क्योंकि उनका एक्टिविटी का काम है। इसमें हम एक्सरसाइज प्रिस्क्राइब करते हैं कि पेशेंट रेगुलर एक्सरसाइज करे, वाटर का ज़्यादा यूज़ करे। तो अब इसमें मैनेजमेंट क्या करनी है वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले आ जाता है कोर्टिकोस्टेरॉइड क्रीम्स, जो पेन जो स्वेलिंग हुई हुई है उस एरिया में, इन्फ्लेमेशन हुई हुई है एनस के पास, उसके लिए हम दे जो है ना कोर्टिकोस्टेरॉइड क्रीम प्रिस्क्राइब करते हैं पेन और स्वेलिंग को कम करने के लिए। सिर्स बात प्रिस्क्राइब किया जाता है। सिर्स बात बेसिकली हमारे पास क्या है, सिटिंग इन द वार्म वाटर 3 टाइम्स इन डे फॉर 15 to 20 मिनट्स। 15 to 20 मिनट जो है ना वार्म वाटर में जो है ना पेशेंट को कहना है 3 टाइम जो है ना आपने रहना है, जो क्या करेगा रिड्यूस करेगा इन्फ्लेमेशन को। डाइट उसकी मॉडिफिकेशन करवानी है, रिच फाइबर्स जो है ना, जिसमें फाइबर्स आता है, वो वाले फूड्स का यूज़ करवाना है ताकि कॉन्स्टिपेशन भी रिड्यूस हो। फ्लूइड ड्रिंकिंग और फ्लूइड ज़्यादा से ज़्यादा आपने उन्हें फ्लूइड्स का यूज़ कराना है, जो क्या करेगा, स्टूल को क्या करेगा, सॉफ्टर करेगा और पेशेंट ईजिली जो है ना स्टूल पास आउट कर सकेगा। इंक्रीज एक्टिविटी एक्सरसाइजेस हेल्प टू रिड्यूस कॉन्स्टिपेशन। अगर हम एक्टिविटी करते हैं, एक्सरसाइजेस करते हैं, वो भी कॉन्स्टिपेशन को रिड्यूस करती है। एंड डिक्रीज प्रेशर इन हेमोइड्स, और प्रेशर भी जो है ना हेमोइड्स पे कम आएगा। स्टूल सॉफ्टनिंग का, सॉफ्टनेस के लिए हमारे पास सॉफ्टनेस के लिए जो है ना नेचुरल फाइबर सप्लीमेंट्स होती है और लुब्रिकेशन जेली होती है, तो वो भी हम यूज़ करवा सकते हैं पेशेंट को। एनाल्जेसिक्स मेडिकेशन यूज़ करवा सकते हैं, एंटीसेप्टिक्स दे सकते हैं। कॉर्टिकोस्टेरॉइड क्रीम्स में हमारे पास हाइड्रोकॉर्टिसोन वगैरह क्रीम्स आ जाती हैं। ये सब मेडिकल ट्रीटमेंट है जो पेशेंट को प्रिस्क्राइब करते हैं। एनसिड्स का यूज़ करवाते हैं, पेन रिलीवर्स का यूज़ करवाते हैं। इसके अलावा मॉडिफिकेशंस बताते हैं कि आपने हाई जो है ना रिच फाइबर का यूज़ करना है, फ्लूइड इंटेक ज़्यादा करना है। तो ये हमारे पास कुछ प्रिवेंशंस आती हैं जो हम पेशेंट को साथ साथ बताते हैं, और साथ उनकी डाइटरी मॉडिफिकेशंस भी करते हैं, उनकी एक्टिविटी, डेली एक्टिविटी के बारे में भी देखते हैं, और साथ हम उन्हें कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, एनसिड्स, एनाल्जेसिक्स का भी यूज़ करवाते हैं। अब इसमें सर्जरी वगैरह कौन सी करवा सकते हैं? अगर तो ग्रेड 4 का है, अगर तो वो मेडिकेशन से ट्रीट नहीं हो रहा क्योंकि पेन कोज हो रही है, ब्लीडिंग कोज हो रही है, और साथ में हमारे पास इचीनेस कोज हो रही है, तो ये कंडीशन हमारे पास एक कॉम्प्लिकेटेड सी होती है, पेशेंट को बहुत ज़्यादा इरिटेशन भी कोज हो रही होती है। तो इसको हम किस तरह से सर्जरी कर सकते हैं? सर्जरी के लिए स्क्लेरोथेरेपी कर सकते हैं। स्क्लेरोथेरेपी बेसिकली हमारे पास क्या है, हम हेमोइड्स जो है ना उसमें डायरेक्टली जो है ना केमिकल इंजेक्शन के थ्रू जो है ना केमिकल डायरेक्टली इंजेक्ट करते हैं, जो श्रिंक कर देता है हेमोइड को एंड फॉल डाउन ड्यूरिंग द बाउल मूवमेंट। अब जब बाउल मूवमेंट होगी तो वो श्रिंक जब हो गया हेमोइड तो बाउल मूवमेंट के साथ ही बाहर आ जाएगा। लाइक हमारे पास ये एनल है, यहाँ पे हेमोइड बना, इसमें हमने इंजेक्शन जो है ना इंजेक्शन के थ्रू इंसर्ट करना है केमिकल। ये क्या करेगा, इसको क्या कर देगा, श्रिंक कर देगा। जब पेशेंट बाउल मूवमेंट करेगा, स्टूल पास आउट करेगा, उसके साथ ही ये फॉल डाउन हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट लेज़र थेरेपी में क्या है, बर्न आउट करते हैं हेमोइड्स को। थर्ड क्रायोथेरेपी में क्या है, इस सर्जरी में फ्रीजिंग टेक्निक यूज़ करते हैं। निक्रोसिस यूज फॉर निक्रोसिस ऑफ द पाइल्स, अगर पायल में निक्रोसिस हो गई है तो उसके लिए हम क्रायोथे सर्जरी करवाते हैं। रबर बैंड लिगेशन में हमारे पास क्या है, लाइक हमारे पास 2 रबर बैंड्स हम लेते हैं। एक ये समझे हमारे पास क्या है, ये सैक बना हुआ है, हेमोइड है, पायल है, ठीक है। आर लिगेटेड अराउंड द बेस ऑफ द हेमोइड and cut off circulation and causing hemorrhoids to shrink and fall off within a week। इसमें हम क्या करते हैं, 2 रबर्स लेते हैं और यहाँ पे 2 रबर्स हमने अटैच कर देते हैं, जो कि क्या करते हैं सर्कुलेशन को ब्लॉक कर देते हैं। ब्लॉक द सर्कुलेशन, जब सर्कुलेशन ब्लॉक होती है, ब्लड सप्लाई नहीं मिलती, तो क्या ये जो सैक बना हुआ है खुद ब खुद हेमोइड बना है वो श्रिंक कर जाता है, और जब वो श्रिंक करता है और विदिन अ वीक जो है ना ये फॉल कर जाता है, स्टूल के थ्रू ही हमारे पास आउट हो जाता है। तो ये इसमें हम ये रबर बैंड टेक्निक भी यूज़ करते हैं। लास्ट वन आ जाता है हमारे पास हेमोइड्सटेक्टोमी। हेमोइड्सटेक्टोमी में हमारे पास ये ग्रेड 4 के साथ पेशेंट है, अगर तो इन ट्रीटमेंट्स के साथ रिकवर नहीं हो रहा तो हम इसमें ये रिमूवल ऑफ पाइल्स बाय सर्जरी, पाइल्स जो हमारे पास बने हुए हैं इंटरनली और एक्सटर्नली, उसको हम सर्जरी के थ्रू रिमूव कर देते हैं। ये हमारे पास कुछ सर्जिकल ट्रीटमेंट थे जो यूज़ किए जाते हैं, बट विदाउट सर्जरी भी जो है ना पेशेंट को रिकवर किया जा सकता है बाय मेडिकेशन, बाय देयर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस के थ्रू। अब हम इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? प्रिवेंशंस में हमने क्या करना है कि एक्सरसाइज रेगुलरली, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि एक्सरसाइज मस्ट करनी है पेशेंट ने, एक्सरसाइज रेगुलरली करनी है। इंक्रीज फाइबर अपनी डाइट में आपने हाई फाइबर फूड का यूज़ करना है। और कीप इट क्लीन का क्या है कि आपने अवॉइड करना है, रबिंग नहीं करनी है एनल एरिया पे। ट्राई टू अवॉइड रबिंग द एनल एरिया, क्लीन द एनल विद द पीस ऑफ मॉइस्ट टॉयलेट पेपर एंड जेंटली पैड ड्राई। ठीक है, ये चीज़ हम क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। और ट्रीटमेंट में इसके साथ ही साथ में अगर और ट्रीटमेंट्स प्लान इसके बताऊं तो कोल्ड कंप्रेस हम यूज़ कर सकते हैं। अप्लाई आइस पैक टू द एनल एरिया एंड ऑफ फॉर 10 to 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे और उसके बाद वो क्या करेगा, स्वेलिंग को रिड्यूस करेगा, इन्फ्लेमेशन को कम करेगा। कोल्ड कंप्रेस हम कर सकते हैं, सिट्स बाथ यूज़ कर सकते हैं, 10 to 15 मिनट के लिए हम सिट्स बाथ करते हैं। टॉपिकल रिलीवर्स देते हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देते हैं, ये हमारे पास कुछ ट्रीटमेंट आ जाता है और प्रिवेंशंस आ जाती हैं जिसका हम इस्तेमाल करके हेमोइड्स को, पाइल्स को ट्रीट कर सकते हैं। ये ओवरऑल ट्रीटमेंट था। डेट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। अगर तो इस लेक्चर में आपका कोई क्वेश्चन होगा आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, अपने क्वेश्चंस मेंशन कर सकते हैं और साथ ही साथ आपने क्लास जो जो स्टूडेंट्स अटेंड करेंगे अपना नेम ज़रूर मेंशन करना फॉर अटेंडेंस। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।